हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लेडर। आज हम सी प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम ऑड नंबर की सीरीज को प्रिंट करना देखेंगे। ऑड नंबर की सीरीज, ऑड जिसे हम हिंदी में विषम संख्या भी कहते हैं। आइए पहले हम देखते हैं ये विषम संख्या या ऑड नंबर होता क्या है। जनरली जो हमारा नंबर सिस्टम होता है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से आप नंबर्स को लिखते रहते हैं। ये आपका नेचुरल नंबर कहलाता है, या जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। इसी में अगर हम विषम संख्या की बात करें तो ऐसी संख्या या ऐसा नंबर जो कि दो से भाग ना जाए वो विषम संख्या या ऑड नंबर कहलाता है। तो यहां पर आप फाइंड आउट कीजिए कौन कौन सी संख्या है जो दो से भाग नहीं जाएगी। ये हुआ, ये ऑल्टरनेट पे जो भी नंबर आएगा, एक छोड़कर जो भी नंबर आ रहा है वो सभी जब आप लिखेंगे तो जो सीरीज तैयार होगी उसे ही हम ऑड नंबर की सीरीज या फिर हिंदी में जिसे हम विषम संख्या कहते हैं। ये सभी संख्याएं विषम संख्या है या ये सभी नंबर ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं ऑड नंबर के सीरीज को प्रिंट करने की। तो हमने ये देखा कि ये जो सीरीज है, ये जो है क्रम जो है, ये ऑड नंबर का सीरीज है और इसे ही प्रिंट करने का हमको प्रोग्राम देखना है। इस ऑड नंबर की सीरीज को हमने ये तो जान लिया कि ऑड नंबर होता क्या है और ऑड नंबर की सीरीज कौन क्या है। अब इस ऑड नंबर की सीरीज को प्रिंट करने के पीछे जो लॉजिक है इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना लॉजिक के प्रोग्राम बनना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसके लॉजिक को फाइंड आउट कर लेते हैं तो प्रोग्राम बड़ी ही आसानी से बन जाएगा। इस सीरीज को प्रिंट करने के पीछे जो लॉजिक वर्क कर रहा है वो इस प्रकार से है कि जो सीरीज शुरू हो रही है, इनिशियलाइजेशन, इनिशियल कहां से हो रहा है, सीरीज हमेशा वन से, क्योंकि प्राकृतिक संख्या शुरू होती है एक से और पहला ही नंबर हमारा ऑड नंबर के कैटेगरी में आता है। तो सीरीज शुरू तो हो रहा है वन से, और हर बार जो अगला नंबर प्रिंट हो रहा है उसमें जो डिफरेंस है वो है टू का। मतलब पहला नंबर है आपका वन, वन प्रिंट करने के बाद अगर आप उसमें टू ऐड करते हैं तो थ्री हो जाएगा, थ्री के बाद उसमें टू ऐड करते हैं तो फाइव आ जाएगा, फिर फाइव में टू ऐड करते हैं तो सेवन। इस प्रकार से हर बार जो नया नंबर आ रहा है उस पर आप टू ऐड कर देंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर प्रिंट हो जाएगा। और इस प्रकार से जो नंबर हम प्रिंट करेंगे और उसको प्रिंट करने पे जो सीरीज तैयार होगी वो ऑड नंबर की सीरीज या विषम संख्या की सीरीज होगी। तो यहां हमने देखा कि एक ही कार्य दो के डिफरेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इससे ऐसे कार्यों को संपन्न कराने के लिए हम रिपीटेटिव स्टेटमेंट या लूप का यूज करते हैं। हमारे पास तीन प्रकार के लूप है, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर। तीनों में से आप किसी भी प्रकार के लूप का उपयोग करके इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो हमने ये चीज देखा कि शुरू होगी सीरीज वन से, टू ऐड करने करके हर बार जो वैल्यू आएगी उस पे टू ऐड करेंगे और उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो हमारा इस प्रकार से आप ऑड नंबर की सीरीज को प्रिंट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कहां तक प्रिंट करना चाहते हैं, वो आप नंबर ऑफ टर्म्स के थ्रू आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका लॉजिक इस प्रोग्राम को सॉल्व करने का। आइए हम इसका सी प्रोग्राम देखते हैं जिसके द्वारा हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। तो ऑड नंबर क्या है और ऑड नंबर की सीरीज क्या है ये हमें पता चल गया, साथ ही साथ इसे प्रिंट करने का जो लॉजिक वर्क कर रहा है वो भी हमें पता चल गया। सीरीज को मैं यहाँ लिख देती हूँ 1, 3, 5, 7, 9 से लेके आप जो भी टर्म्स बोलेंगे वहां तक, माना आपने लिख लिया एंड टर्म्स तक। अब जो कोडिंग है वो इस प्रकार से होगी, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, फिर void main वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन है, आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया n जिससे आप रीड करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, एक वेरिएबल रीड किया i जिससे आप लूप चलाने के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले आपने मैसेज दिया printf enter the number of terms, जितने टर्म्स आप चाहते हैं उतने टर्म्स आप प्रिंट करेंगे। scanf %d m %n, अब आप लूप चलाएंगे। तीन प्रकार के लूप है, फॉर लूप से हम चालू करते हैं। i बराबर इनिशियल वैल्यू, लूप शुरू कहां से हो रहा है, वन से, तो i की वैल्यू हमने ले ली वन। कब तक, जब तक लेस देन इक्वल टू आपका
इंटू एन ना हो जाए। यहां हमने टू इंटू एन क्यों लिखा है आगे हम देखते हैं, समझते हैं इसको। और यहां पर जो डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है हम देख रहे हैं, टू का डिफरेंस है, मतलब आई बराबर क्या करना पड़ेगा, आई प्लस टू करना पड़ेगा। और यहां आप सीरीज को प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन से नए लाइन में आपका सीरीज प्रिंट हो जाएगा, और परसेंट डी, और यहाँ किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, गेट सी एच, और प्रोग्राम आपका क्लोज हो जाएगा। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू प्रोग्राम को। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स, देखिए एन टर्म्स का मतलब क्या है, पदों की संख्या। यहाँ पर हमें कितने पद दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पांच। अगर आपने एन की वैल्यू पांच दी मतलब आपके कितने पद प्रिंट होने चाहिए, पांच पद प्रिंट होने चाहिए। ये जो पांच पद हैं, एक तीन पांच सात नौ, ये नेचुरल नंबर के सीरीज में ही आएंगे। तो जब नेचुरल नंबर के सीरीज में ये आएंगे तो आप यहां देखिए, ये एक तीन पांच सात और नौ, एक दो तीन चार और पांच, ये जो पांच पद आ रहे हैं कितने नंबर्स के बीच में आ रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस, दस नंबर के बीच में आ रहे हैं। तो पांच पद चाहिए, फाइव टर्म्स चाहिए, और वो कितने नंबर्स के बीच में आ रहा है, टेन नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो अगर आप इसको टू इंटू एन लिख दे, जहां एन की वैल्यू फाइव है, तो टू इंटू एन बराबर फाइव, पांच दुनी दस, तो दस से के अंदर आपके सारे पद आ जाएंगे, इसलिए आपने यहां पर टू इंटू एन लिखा है। तो इस प्रकार से आप यहां पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे माना एन की वैल्यू आपने यहां पर पांच दे दी, आई जो है वन है, लूप शुरू हो रहा है, वन इज लेस देन टू इंटू एन, मतलब टू इंटू फाइव बराबर होता है आपका टेन, यहां पर ये हमेशा टेन ही रहेगा, वन इज लेस देन टेन, यस कंडीशन इज ट्रू, वन प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू वन से थ्री हो जाएगी, क्योंकि आपने आई बराबर आई प्लस टू लिखा है, तो वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, थ्री इज लेस देन इक्वल टू टेन, यस कंडीशन इज ट्रू, थ्री प्रिंट हो जाएगा। फिर ये फाइव हो जाएगा, फाइव इज लेस देन इक्वल टू टेन, यस कंडीशन इज ट्रू, फाइव भी प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू सेवन हो जाएगी, सेवन इज लेस देन इक्वल टू टेन, यस कंडीशन इज ट्रू, सेवन भी प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू नाइन हो जाएगी, नाइन इज लेस देन इक्वल टू टेन, यस कंडीशन इज ट्रू, नाइन भी प्रिंट हो जाएगा। फिर नाइन के बाद ये हो जाएगा इलेवन, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नो कंडीशन इज फॉल्स, आप लूप के बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एक दो तीन चार और पांच पद आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से इस प्रोग्राम के द्वारा किसी भी ऑड नंबर के सीरीज को, और वो कितने भी पदों तक आप चाहे तो उसे प्रिंट कर सकते हैं।